हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का यूनिट नंबर 14, दैट्स बायो मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डिस्कस किया था। तो उसके बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें जो दूसरा बायो मॉलिक्यूल जो आपके सिलेबस में है, दैट्स अल्फा एमाइनो एसिड्स। आज हमें डिस्कस करना है एमाइनो एसिड्स क्या हैं, याद रख लेना। एमाइनो एसिड्स, एमाइनो होप आप लोगों को पता होगा, एमाइनो NH2 ग्रुप को हम एमाइनो ग्रुप कहते हैं, NH2 ग्रुप को। एसिड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें COOH ग्रुप हो। तो जनरली वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें NH2 ग्रुप भी होगा और COOH ग्रुप भी होगा, उनको जनरली हम क्या कहते हैं, एमाइनो एसिड्स कहते हैं, एमाइनो एसिड्स। तो एमाइनो एसिड्स में COOH के कंपैरिजन में, यानी इसके रिलेशन में NH2 ग्रुप की पोजीशन कहां पे है, उसके बेसिस पे एमाइनो एसिड्स को हम क्लासिफाई कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट करो, मैं आपको इस तरह बता दूं, देखो अगर आपको ये COOH ग्रुप है और यहां से कार्बन की चेन है ना, सबको पता है कि वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन जुड़ा होगा, यानी अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा होगा उसको बीटा कार्बन कहते हैं। बीटा कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़े होंगे उनको क्या कहते हैं, हम गामा कार्बन कहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट बात है, ये जो NH2 ग्रुप है ये COOH ग्रुप के रिलेशन में, इसके कंपैरिजन में कहां पे है बेटा, उस बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे फर्ज करो अगर यहां पे होगा तो अल्फा कहेंगे, यहां पे होगा तो बीटा, ठीक है ना, यहां पे होगा तो क्या कहेंगे, गामा, सो, है ना। तो यहां पे मेनली हमें फोकस करना है किस पे, अल्फा एमाइनो एसिड्स पे। तो हो अल्फा एमाइनो एसिड्स क्या हो है, कौन से कंपाउंड्स को हम अल्फा एमाइनो एसिड्स कहेंगे, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि वो कंपाउंड्स जिनमें क्या होगा, COOH ग्रुप है ना, उसके साथ जो कार्बन जुड़ा होगा, यानी वो कार्बन जिसके साथ COOH ग्रुप जुड़ा होगा उसी ग्रुप के साथ अगर क्या जुड़ा होगा, NH2 ग्रुप जुड़ा होगा, NH2 ग्रुप जुड़ा होगा, तो उन कंपाउंड्स को हम जनरली क्या कहते हैं, अल्फा एमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो अल्फा एमाइनो एसिड्स में क्या होगा, नेचुरल बात है इस कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो और एक तो जनरली हाइड्रोजन होता है और उसके अलावा और एक ग्रुप होता है जिसको हम इसका कहते हैं साइड चेन कहते हैं, क्या कहते हैं, साइड चेन, है ना। तो ये मैंने कहा कौन सा ग्रुप है, एमाइनो ग्रुप है, एमाइनो ग्रुप, और ये जो है ये कौन सा ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, है ना। तो वो कंपाउंड्स जिनमें क्या होगा, अल्फा पोजीशन पे, यानी वो एसिड्स जिनके अल्फा पोजीशन पे NH2 जुड़ा होगा उनको जनरली हम क्या कहते हैं, अल्फा एमाइनो एसिड्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि एमाइनो एसिड्स जितने भी, इनका जब सबका जनरल स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, है ना, मगर इसमें डिफरेंस क्या होगा, ये आर जो है वो डिफरेंट होगा, है ना, कहीं पे आर जो होगा वो एच होगा, कहीं पे आर जो है वो CH2 हो, CH3 होगा, सो, है ना। तो यानी आर डिफरेंट होगा, है ना। तो जो सबको पता है कि जो अल्फा एमाइनो एसिड्स हैं ये मोनोमर्स हैं प्रोटीन्स के, किसके, प्रोटीन, यानी प्रोटीन जो होते हैं वो बने होते हैं अल्फा एमाइनो एसिड्स के। और अल्फा जो प्रोटीन्स देखे गए हैं, जिन्हें प्रोटीन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उन सब में जो डिफरेंट अल्फा एमाइनो एसिड्स के एनालिसिस के बेस पे पता चला है कि 20 टाइप के एमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में होते हैं। कितने टाइप के, 20 टाइप के एमाइनो एसिड्स। तो उन 20 टाइप ऑफ एमाइनो एसिड्स में क्या है डिफरेंस, इस आर का डिफरेंस है, बाकी सभी ग्रुप सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, आर का डिफरेंस है, जो साइड चेन है वो उन सब में क्या होगी, अलग अलग। तो डिफरेंस अल्फा एमाइनो एसिड्स को अगर आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखोगे तो आपको मैंने कहा कि इनमें एमाइनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप, और क्या होता है, COOH ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें COOH ग्रुप होगा उनको मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें NH2 एज ए फंक्शनल ग्रुप होगा उनको हम क्या कहते हैं, एमाइन्स कहते हैं।
अगर हम एमाइंस की बात कर लें, एमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, तो एमाइंस जितने भी हैं सभी एमाइंस नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेंगे। इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये कलरलेस होंगे। और इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी हैं उनका भी ऐसा ही है, ये सभी क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होंगे ये नॉर्मल कंडीशन में आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब अगर हम एमाइनो एसिड्स की बात कर लें, तो एमाइनो एसिड्स नॉर्मल कंडीशन में आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में, और इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जो स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से तो अल्फा एमाइनो एसिड्स नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ होने चाहिए थे, यानी उनको क्या होना चाहिए था, इनका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, ये लिक्विड स्टेट में होने चाहिए थे, समझ रहे हो ना। मगर ये है, मैंने क्या कहा कि ये आपको किस फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं जो अमाइनो एसिड्स हैं, और कौन से सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म में, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफी हाई होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था शायद ऐसा होता नहीं है। तो हमने अल्फा अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर ड्रा किया था वो कुछ इस तरह ड्रा किया था, हमने कहा था कि अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, एक ही कार्बन के साथ COOH ग्रुप जुड़ा होता है और उसके अलावा NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, और एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा और उसके अलावा हमने कहा था एक साइड चेन इसके साथ जुड़े होंगे। तो इस ग्रुप को मैंने कहा कि इस जो प्रॉपर्टीज इस स्ट्रक्चर को दिखानी चाहिए वो प्रॉपर्टीज अल्फा अमाइनो एसिड दिखाते नहीं है। तो ऐसा क्यों है आप इस तरह समझ सकते हो, इस स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छी तरह देखोगे तो यहां पे ये NH2 ग्रुप है ना, यानी बेसिक ग्रुप है, और ये COOH ग्रुप है यानी एसिडिक ग्रुप है। तो कहने का मतलब कि अमाइनो एसिड्स में, अल्फा अमाइनो एसिड्स में एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, तो नेचुरल बात है यहां पे विद इन द मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है, यानी क्या हो सकता है, यहां से H निकल सकता है, वो H इसके साथ जुड़ सकता है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, देखो R C क्या हो गया, N के साथ क्या जुड़ गया, NH3, यानी क्या हुआ, इसने अपना H पॉजिटिव लूज किया, इसने अपना H पॉजिटिव क्या किया, लूज किया, वो H पॉजिटिव जाके क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास सबको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, तो यहां पर बन गया NH3 पॉजिटिव ये ग्रुप, ठीक है, और यहां पर क्या बन गया, COO नेगेटिव ग्रुप, और उसके अलावा यहां पे क्या जुड़ा है, एक जुड़ा है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छी तरह देखोगे तो यहां पे विद इन द मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव पोल भी है एज वेल एज नेगेटिव पोल भी है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम जनरली क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर कहते हैं, ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो अमाइनो एसिड्स है वो फ्री फॉर्म में, जब किसी और के साथ कंबाइन नहीं हुए होंगे तो उस टाइम पे वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ज्यूटर आयन को अगर आप देखोगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेचुरल बात है ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, किस बॉन्ड के थ्रू, आयनिक बॉन्ड के थ्रू, तो नेचुरल बात है वो प्रॉपर्टी दिखाएंगे जो कौन दिखाते थे, आयनिक कंपाउंड। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो फ्री फॉर्म में, प्योर फॉर्म में आपको मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो होप आप लोगों को अल्फा अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर के बारे में आपको आइडिया आया होगा। तो ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर से हम साथ में एक यहाँ पे एक पॉइंट साथ में डिस्कस करते चाहें तो हमें अच्छा लगेगा। तो डियर स्टूडेंट देखो, याद रख ले, ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर अभी मैंने आपसे कहा कि कुछ इस तरह, मैंने कहा कि कार्बन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा है, NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव, है ना, और उसके अलावा एक साइड चेन और एक हाइड्रोजन, ये कहा ना। तो इस स्ट्रक्चर को या इस मॉलिक्यूल को अगर आप एक ऐसी सॉल्यूशन में डालोगे जहां पे क्या होगा, pH बहुत कम होगा, यानी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे, किसमें डालोगे, एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे, तो क्या होगा, क्या हो सकता है, आप बता सकते हो, ये जो एसिड है क्या होगा, इस COO नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा
और ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें आर सी एन एच थ्री पॉजिटिव, यहां पर जुड़ेगा सी ओ ओ एच और यहां से क्या होगा एच, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा केटायन में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा केटायन में, क्लियर है। अगर इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में न डाले बल्कि एक बेसिक सॉल्यूशन में डाले, एक ऐसी सॉल्यूशन में डाले जिसका पीएच बहुत ज्यादा हाई होगा, तो क्या होगा उस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस होंगे, तो वो इतने OH नेगेटिव आयंस क्या कर लेंगे यहां से इस H को रिमूव कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में आर है ना सी एन एच टू यहां पे एच और यहां पे जुड़ा होगा सी ओ ओ नेगेटिव, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा एनायन में, एनायन है ना। तो कहने का मतलब इतना ही है कि अगर हम अल्फा एमाइनो एसिड को है ना एक ऐसी सॉल्यूशन में डालें जिसका पीएच बहुत ज्यादा कम है तो वो बदल जाएगा किसमें एक कैटायन में, क्लियर है। ऑन द अदर हैंड उसी एमाइनो एसिड को हम एक ऐसी सॉल्यूशन में डालें जिसका पीएच बहुत ज्यादा हाई होगा यानी बेसिक सॉल्यूशन होगी उसमें वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें एनायन में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रख लेना कि फर्स्ट कर लो अगर हम क्या कर लें कंटेनर ले लें उस कंटेनर में दो रॉड्स डिप कर लें जिनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को हम बैटरी के साथ जोड़ लें, एक को बैटरी के नेगेटिव के साथ और एक को बैटरी के किसके साथ पॉजिटिव के साथ है ना। तो अगर हाईली एक हाईली एसिडिक सॉल्यूशन में हाईली एसिडिक सॉल्यूशन में जब पीएच का वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगा उस सॉल्यूशन में हमने क्या डाला है अल्फा एमाइनो एसिड को डाला है उसकी अगर हम क्या कर लें इलेक्ट्रोलिसिस कर लें यानी उस सॉल्यूशन को ले लें और उस सॉल्यूशन में के थ्रू हम क्या पास कर लें इलेक्ट्रिक करंट पास कर लें तो क्या होगा क्योंकि वो सॉल्यूशन जहां पे एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगी वहां पे जो एमाइनो एसिड है वो आपको केटाइन के फॉर्म में मिलेगा, किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा वहां पे केटाइन के फॉर्म में, तो वो केटाइन नेचुरल बात है कहां की तरफ मूव कर लेगा कैथोड की तरफ मूव कर लेगा, किसकी तरफ मुंह कर लेगा कैथोड की तरफ मुंह कर लेगा, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड उसी एमाइनो एसिड को हम हाई पीएच की सॉल्यूशन में डालें और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर लेंगे तो वही जो एमाइनो एसिड है वो मुंह कर लेगा कहां की तरफ, कहां की तरफ एनोड की तरफ, कहां की तरफ एनोड। तो कहने का मतलब यह है कि अल्फा एमाइनो एसिड्स को है ना यानी एक खास सॉल्यूशन में जब आप डालोगे है ना यानी एक हाई पीएच की सॉल्यूशन में या लो पीएच की सॉल्यूशन में है ना तो वहां पे वो या तो एनायन में कन्वर्ट हो रहा है या तो केटाइन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर एनायन में कन्वर्ट हो गया तो वो एनोड की तरफ मूव कर लेगा और केटाइन में कन्वर्ट कर अगर केटाइन में कन्वर्ट हो गया है तो वो कैथोड की तरफ क्या कर लेगा मूव कर लेगा, क्लियर है ना। तो नेत्र बातें मैंने कहा कि एक हाई पीएच पे किस पे हाई पीएच पे वो एनायन बन रहा है ना और मुंह कर रहा है हाई एनोड की तरफ और लो पीएच पे वो मुंह कर रहा है कहां की तरफ कैथोड की तरफ। तो नेत्र बात एक इंटरमीडिएट पीएच ऐसा होगा जहां पे कोई एमाइनो एसिड्स ना एनोड की तरफ मुंह कर लेगा ना कैथोड की तरफ क्या कर लेगा मुंह कर लेगा तो उस पीएच को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं पॉइंट कहते हैं। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या हो गया आप कह सकते हो एक ऐसा पीएच जहां पे कोई पर्टिकुलर अल्फा एमाइनो एसिड ना एनोड की तरफ मुंह करता हुआ ना कैथोड की तरफ मुंह करता यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना वो एनोड की तरफ जाता होगा ना कैथोड की तरफ जाता होगा तो उस पीएच को हम क्या कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और हर एक एमाइनो एसिड का अपना एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है और ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का हम इस्तेमाल करते हैं एमाइनो एसिड्स को सेपरेट करने के लिए क्योंकि हम जब प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो एक मिक्सचर ऑफ एमाइनो एसिड्स बन जाएंगे तो उन मिक्सचर ऑफ एमाइनो एसिड्स को हम सेपरेट करने के लिए उस एमाइनो एसिड का क्या करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो होप आप लोगों को अल्फा ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है इसका भी आइडिया आया होगा। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत एमाइनो एसिड्स
कि क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स. डियर स्टूडेंट्स, अल्फा एमिनो एसिड्स की दो टाइप की क्लासिफिकेशन काफी मशहूर है जो आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगी. उसमें से एक जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पे है कि उस एमिनो एसिड को आपको खाने में लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, इस बेसिस पे, है ना. डियर स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को ने सुना होगा, क्लास 10th वगैरह में भी ये डिस्कस कर लेते हैं. बहुत सारे एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हमारी बॉडी प्रिपेयर कर सकती है ना, और कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे भी हैं जिनको हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं करती है. तो वो एमिनो एसिड्स जिनको हमारी बॉडी प्रिपेयर करती होगी, उन एमिनो एसिड्स को नेचुरल बात है हमें डाइट में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है. ऑन द अदर हैंड, वो एमिनो एसिड्स जिनको हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पाती होगी, तो उन एमिनो एसिड्स को हमें किसी भी हाल में फूड में हमें क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा. तो वो एमिनो एसिड्स जिनको हमें किसी भी हाल में फूड में शामिल करना पड़ रहा है, उनको हम कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स, है ना. यानी वो एमिनो एसिड्स जिनको हमें किसी भी हाल में फूड में शामिल करना पड़ेगा, है ना. यानी वो एमिनो एसिड जिनको हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पा रही है, उन्हीं एमिनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं. और वो एमिनो एसिड्स जिनको हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पाती है ना, तो मैंने कहा कि उनको हमें किसी भी हाल में अपने फूड में शामिल करना पड़ेगा, तो उनको मैंने कहा एसेंशियल कहेंगे. क्या कहेंगे, एसेंशियल. ऑन द अदर हैंड, वो एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर पाती होगी, तो नेचुरल बात है उनका हमें खाने में लेना, फूड में शामिल करना जरूरी नहीं है. तो उन एमिनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले कहा कि 20 टाइप के एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. उनमें से 10 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है, और 10 ऐसे हैं जिनको हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं करती है. तो उसका मतलब है कि 10 एमिनो एसिड्स एसेंशियल है और 10 क्या है, नॉन एसेंशियल है. और उसके अलावा और एक क्लासिफिकेशन एमिनो एसिड्स की आपको डिस्कस करनी है, वो है इस बेसिस पे कि क्योंकि हमें पता है कि एमिनो एसिड्स जो है उनमें जनरली क्या होता है, एक NH2 ग्रुप और एक COOH ग्रुप, यानी एक बेसिक ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप तो सब में होता है ना. और उसके अलावा यहाँ पे मैंने कहा था साइड चेन होती है. क्या होती है, साइड चेन. अब इस साइड चेन में एसिडिक ग्रुप है या नहीं है, है ना, उसके बेसिस पे, या इस तरह क्या है कि ये जो बेसिक ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप के नंबर के बेसिस पे एमिनो एसिड्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. वो एमिनो एसिड्स जिनमें एसिडिक ग्रुप का नंबर, एसिडिक ग्रुप का नंबर बेसिक ग्रुप के नंबर से ज्यादा होगा, बेसिक ग्रुप के नंबर से ज्यादा होगा, यानी एसिडिक ग्रुप का, यानी फर्ज करो COOH ग्रुप 2 होंगे और NH2 ग्रुप 1 ही होगा, या फर्ज करो COOH ग्रुप 3 होंगे और NH2 ग्रुप सिर्फ 2 ही होंगे, तो उन एमिनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं, एसिडिक एमिनो एसिड्स कहते हैं. एसिडिक एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड यानी वो ग्रुप्स जिनमें क्या होगा, COOH ग्रुप का नंबर NH2 ग्रुप से क्या होगा, ज्यादा होगा, उनको हम क्या कहते हैं, एसिडिक एमिनो एसिड्स कहते हैं. वो एमिनो एसिड्स जिनमें एसिडिक ग्रुप यानी COOH ग्रुप का नंबर क्या हो, बेसिक ग्रुप से NH2 ग्रुप से कम होगा, उनको हम कहेंगे बेसिक एमिनो एसिड्स, बेसिक एमिनो एसिड्स. और उनके अलावा याद रखना, वो एमिनो एसिड जिनमें क्या होगा, COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप का नंबर बिल्कुल बराबर होगा, यानी जितने COOH ग्रुप होंगे उतने ही अगर NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे, तो उनको जनरली हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स कहते हैं. न्यूट्रल एमिनो एसिड्स कहते हैं, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स कहते हैं. तो ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स. दो क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की, एक एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, और दूसरा नंबर ऑफ ग्रुप्स के बेसिस पे हमने एमिनो एसिड्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, एसिडिक और बेसिक
और क्या न्यूट्रल एमिनो एसिड्स. डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ रखना कि यहाँ पे एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल एमिनो एसिड्स का मतलब इनका नेचर या पीएच हम मेंशन नहीं कर रहे हैं. अगर हम यहाँ पे हम न्यूट्रल एमिनो एसिड्स का मतलब ये नहीं कि इसका जो पीएच होगा वो 7 होगा, ऐसा नहीं है. सिर्फ ये किसके बेसिस पे, ग्रुप के बेसिस पे है, यानी COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप के नंबर के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन की गई है. ये क्लासिफिकेशन नेचर के बेसिस पे नहीं है. तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स. तो मैंने आपसे पहले कहा था कि एमिनो एसिड्स ही आपस में कंबाइन होकर प्रोटीन्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स. तो एमिनो एसिड्स असली में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? पेप्टाइड्स, है ना. जैसे दो एमिनो एसिड जुड़ गए तो उसको हम कहते हैं डाइपेप्टाइड, तीन एमिनो एसिड जुड़ गए तो क्या कहेंगे, ट्राइपेप्टाइड्स. और उनमें जो लिंकेज बनती है उसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज. तो पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनती है उसको भी हम थोड़ा साथ में डिस्कस कर लें. तो देखो डियर स्टूडेंट्स, एमिनो एसिड्स में मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर होता है. क्या होगा, फर्ज करो यहाँ पे साइड चेन होगी, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन है. तो मैं यहाँ पे NH2 ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नाइट्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन, ठीक है ना. एक एमिनो एसिड्स यहाँ पे एसिड ग्रुप को हम इस तरह लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O OH, है ना. तो ये रिएक्ट कर लेगा दूसरे एमिनो एसिड्स के साथ. दूसरा एमिनो एसिड को मैं यहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एच, यहाँ पे क्या होगा सी, है ना, सी के साथ एक एच होगा और एक साइड चेन होगी. तो साइड चेन सेम होगी तो हम आर आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट होगी तो आर डैश करके रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है ना. और यहाँ पे क्या होगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ, है ना. तो ये भी एक अल्फा एमिनो एसिड है, ये दूसरा अल्फा एमिनो एसिड है ना. तो ये दोनों आपस में कैसे जुड़ते हैं याद होगा आप लोगों को, ये एसिड ग्रुप है और ये एमिनो ग्रुप है. तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन जनरली हो जाती है, ये OH इस एच के साथ कंबाइन होकर इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है, है ना. तो आपको ये बन जाता है H N H, ठीक है ना. C यहाँ पे क्या होगा H और यहाँ पे क्या होगा R, यहाँ पे क्या होगा ये N जुड़ जाएगा किसके साथ, इस एक सॉरी ये कार्बन जुड़ जाएगा ना. इस कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है, ये वाला कार्बन. और ये इस कार्बन के साथ कौन, ये वाला कार्बन जुड़ा है ना C, C के साथ डबल बॉन्ड O, है ना. ये जुड़ेगा इस नाइट्रोजन के साथ, है ना. और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और उसके अलावा ये सी एच आर, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, है ना. तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है ये दो अल्फा एमिनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन की वजह से बना है. तो इसको हम जनरली डाइपेप्टाइड कहते हैं. और ये जो डाइपेप्टाइड है ये इस बॉन्ड के जरिए जुड़ा है, इस बॉन्ड के थ्रू. तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं. पेप्टाइड लिंकेज है जिसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस कर लेंगे. तब तक खुदा हाफिज़.